नसीराबाद नगर पालिका द्वारा करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का डामरीकरण और पैचवर्क का कार्य करवाया गया। वैसे यह काम करवाने का जिम्मा सार्वजनिक निर्माण विभाग का था, लेकिन विभाग की मिलीभगत के चलते ठेकेदार ने सड़क डामरीकरण के कार्य में अपनी मनमानी करते हुए जमकर लिपापोती की, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार कस्बे में 14 सड़कों को करीब 3 करोड़ की लागत से सड़क डामरीकरण का कार्य कराया जाना था, लेकिन ठेकेदार द्वारा यह कार्य शुरू करने के बाद महीनों तक इन सड़कों का कार्य अधूरा छोड़ते हुए बंद कर दिया गया। लेकिन इस संबंध में लगातार मीडिया में खबरें चलने के बाद सड़क निर्माण का कार्य फिर शुरू किया गया, लेकिन उससे भी जमकर लिपापोती की गई। और इस लिपापोती का जीता जागता प्रमाण सिटी थाना व पुराने बस स्टैंड के मोड़ से निकलने वाली सड़क है, जो पूरी तरह से उखड़ चुकी है। अब इस टूटी हुई डामर की सड़क को रेती सीमेंट से रिपेयर कर काम चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग रोजाना हादसों का शिकार हो रहे हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर इस लिपापोती के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने चुप्पी क्यों साध रखी है।